चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम में जो हमें पूछे जाते हैं स्क्वायर एंड क्यूब रूट से, यानी कि वर्गमूल तथा घनमूल से। और इससे पहले भी दोस्तों मैं 2 से 3 वीडियो और बना चुका हूँ जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं अलग अलग टॉपिक से, तो वो वीडियो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इसमें क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 56/42, ठीक है। और इसके बराबर में हमें यहाँ पर दिया गया है स्क्वायर रूट और इसके अंदर हमें दिया जाता है 64/x, ठीक है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x का मान क्या है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले संख्याएं देखनी है कि अगर बटे में जो संख्याएं दी गई है वो किसी सेम संख्या से कट रही है तो संख्याओं को हम छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो 56 है उसमें 14 का भाग जाता है और 42 में भी जाता है, तो 56 में 14 का भाग जाएगा 4 बार और 42 में भाग जाएगा 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने संख्याएं छोटी कर ली है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है जो दोनों संख्याओं पर है, तो इसका मतलब यह है कि ये 64 के लिए भी है और x के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 4/3 बराबर में क्या आएगा, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और x का हम नहीं निकाल सकते तो x को हम इसके रूट में ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए इजी है x का मान निकालना। किस तरीके से हम निकालेंगे, यहाँ पर हम संख्याओं का वज्र गुणा करा देते हैं। तो देखिए, 4 है जो x से गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा का मतलब है तिरछा गुणा। यहाँ पर 4 का गुणा स्क्वायर रूट x से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√x, ठीक है। और बराबर में हो जाएगा 8 का गुणा 3 से, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पर आगे का स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पर हमें x का मान चाहिए, तो इधर हम स्क्वायर रूट x रखेंगे और ये जो 4 है 24 के बटे में चला जाएगा, यानी कि 24 में 4 का भाग लग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब यहाँ पर हमारे पास आया स्क्वायर रूट x बराबर 6, तो अब हमें यहाँ पर x से स्क्वायर रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा कि x का जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, यहाँ पर केवल x बचेगा और बराबर में इसका वर्ग हो जाएगा यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पर x बराबर हमारे पास मान आया है 36, तो x का मान क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, x की जगह y कुछ भी दिया जा सकता है, तो x का मान यहाँ पर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका अलग हमें स्क्वायर रूट दिया गया है, तो अलग हम निकाल सकते हैं कैसे, 676 का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 26, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20/√x बराबर में हम लिखेंगे 26/31, ठीक है। तो 26 के बराबर 26 है, 26 से 26 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या रह गया है, यहाँ पर हो गया 1/√x और बराबर में हो गया 1/31, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों स्क्वायर रूट एक्स बराबर 31। अब यहाँ पर वही तरीका हम लगाएंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ पर हमें दिया गया है 31 का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर होता है 961, तो यहाँ से हमारा एक्स का जो मान आएगा वो आ जाएगा 961, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन हमें दिया जाता है, यहाँ पर है 9/, यहाँ पर कोई संख्या जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, और यहाँ पर इसके बराबर में हमें दिया जाता है स्क्वायर रूट 1296/, यहाँ पर हमें दिया गया है 32, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमें संख्या ज्ञात करनी है इसे हम एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू पता करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या हमें दिया गया है, 9/√x यहाँ पर हम रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1296 का स्क्वायर रूट हमें पता है 36 होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम 36 रख देते हैं और बटे में हो जाएगा 32, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो बराबर की संख्याएं होती है वो आपस में कट जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे हम वज्र गुणा करते हैं तो 9 है जो यहाँ पर 36 के बटे में आएगा और 9 का भाग 36 में हमें देना है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लगा देते हैं, तो 9 का भाग 36 में जाएगा 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 से 32 भी कट रहा है, क्योंकि अंश और हर की संख्याएं हैं, तो 4 से 32 कट जाएगा 8 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट के बराबर है 8, तो यही फिर से आने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा,
स्क्वायर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, स्क्वायर रूट हमें हटाना है तो यहाँ पर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से एक्स के ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर एक्स बचेगा और बराबर में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, तो एक्स का मान आएगा 64। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन हम लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अगला एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से है, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बट्टे 729 बराबर में हमें दिया गया है 28/27। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इन्हें हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आगे मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले हम इसे जनरल मेथड से सोल्व करते हैं। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिये स्क्वायर रूट हमें दिया गया, तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, जो भी संख्याएं हमें दी गई है उनका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स बटे 729। ठीक है, यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, 28 का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 784 और 27 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 729। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन बन गया है, इसके बटे में हम 1 रखेंगे और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएंगे 729 और यहाँ पर बच जाएगा एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएंगे 729। ठीक है, और बराबर में ये चल रहा है 784/729। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं बराबर की संख्याओं से बराबर की संख्याएं कट जाती हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 729 प्लस एक्स बराबर 784। तो यहाँ पर हम केवल एक्स रखेंगे और ये जो 729 है इन्हें हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बराबर 784 माइनस 729। ठीक है, और यहाँ पर हम 784 में से 729 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बराबर 55 रह जाएंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर 55 हमारा आंसर आएगा। लेकिन इसे दोस्तों हम चुटकियों में कैसे हल करेंगे एक ही सेकंड में, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इसके रूट में आपको इस तरह से संख्याएं दी जाती है और यहाँ पर बटे में आपको 729 जैसे दिया गया है तो ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पर जो 27 हमें दिया गया है इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर 12 हो तो यहाँ पर आपको 144 दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें जो हर डिनोमिनेटर दिया जाता है उसी का यहाँ पर हमें स्क्वायर दिया जाएगा और जो ऊपर की संख्या होती है इसके अंश की उसमें एक बढ़ा के हमें दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर 28 दिया जाएगा, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 13 दिया जाएगा। तो आपको सीधा सा क्या करना है, जो बराबर की संख्याएं हैं उन्हें आपस में ऐड कर देना है। तो 28 प्लस 27 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 55 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप एक सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसके एग्जांपल लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अगला एग्जांपल है उसमें हमें दिया गया है स्क्वायर रूट में 2500 प्लस स्क्वायर रूट 961 बराबर हमें देखना है यहाँ पर क्या आएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें दो स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वहां पर अंदर वाले का स्क्वायर रूट आप पहले निकाल लीजिए। किस प्रकार से, यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया 2500 और प्लस में है 961 स्क्वायर रूट में, तो इसका हम स्क्वायर रूट पता कर लेंगे कितना होता है 961 का स्क्वायर रूट, ये होता है दोस्तों 31। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर हमें ज्ञात करना है क्या आएगा, तो यहाँ पर हम एक्स रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2500 यहाँ पर पहले से थे और उसमें 31 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2531 और ये दोस्तों चल रहा है स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पर 2 रखेंगे, क्यूब रूट होता है तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, यहाँ पर एक्स का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट 2531। अब यहाँ पर कभी कभी हमें दिया जाता है इसके स्क्वायर लगा के दे दिया जाता है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर चलता रहेगा और केवल हमें अगर एक्स का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2531 और यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे 4। ठीक है, तो ये भी दोस्तों इसका आंसर है अगर हमें यहाँ पर स्क्वायर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इसका एग्जांपल हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एग्जांपल है उसमें हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 1024/8 गुणा 484/ स्क्वायर रूट एक्स बराबर 121। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको अलग में स्क्वायर रूट दिए जाते हैं तो सबसे पहले तो उनका स्क्वायर रूट हमें पता करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32, तो यहाँ पर हम 32 लिख देते हैं, बटे में 8 है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर गुणा 484 हमें दिया गया है, बटे में स्क्वायर रूट एक्स दिया गया है और एक्स का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है, बराबर में 121। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 का भाग 32 में चला जाएगा, कितनी बार, 4 बार जाएगा और यहाँ से हम देखें तो 484 है वो कट रहे हैं 121 से, 121 का भाग 484 में जा रहा है यहाँ पर 4 बार। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या बचा है, 4×4 है और बटे में यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स है, बराबर में यहाँ पर 1 बचा है। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, 4 का गुणा 4 से हम कराएंगे 16 हो जाएंगे, बटे में आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स और बराबर में आ जाएगा 1। ठीक है,
अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, एक के बटे में एक हम रखते हैं, वज्र गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का एक से गुणा और 16 का एक से गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वेयर रूट एक्स बराबर 16। और आगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्योर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम स्क्वेयर रूट एक्स का स्क्योर करेंगे तो यहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा और 16 का स्क्योर हो जाएगा 256, तो यहाँ पर एक्स का जो मान आएगा वो आएगा 256। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें स्क्वेयर रूट क्यूब रूट से क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उन्हें हम ऐसे सोल्व करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।